अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं, सब जानते हैं सर्दियों में हमारी स्किन ड्राई होती है, कितनी डल और काली हो जाती है। तो आज हम आपको एक नाइट क्रीम बनाना सिखा रहे हैं, आलमंड नाइट क्रीम, जो कि ना कि आपकी रंगत को फेयर करेगी और आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लुक देगी, उसके अलावा ड्राइनेस को ख़त्म करके डेड स्किन रिमूव करेगी। तो सबसे पहले हमें 15 टू 20 आलमंड्स लेके उन्हें ओवरनाइट के लिए सोक कर देना है। देखें कितने अच्छे से फूल रहे हैं। बादाम के बारे में आप सभी जानते हैं, बादाम स्किन के कालेपन को ख़त्म करके फ्रेश रिफ्रेशिंग लुक देता है, उसे अच्छा रिफ्रेशिंग लुक देता है। उसके अलावा बादाम हमारी स्किन के लिए बहुत अहम होता है, जो हमारी स्किन को शादाबी की तरफ लाता है। अगर हमारे चेहरे पर डार्क स्पॉट्स या ब्लैकनेस हो तो उसे भी ख़त्म कर देता है, हत्ता कि हमारे चेहरे पर अगर एक्ने के स्कार्स हों, गड्ढे, तो बादाम उन्हें भी ख़त्म कर देता है। हमें 15 से 20 बादाम ओवरनाइट सोक कर लिए, देन हम इन्हें छील लेंगे। अब हम इसे ग्राइंडर में डाल के इसका अच्छा सा एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब बादाम के तमाम जितना भी हमने पीसा है, इसे हम अच्छे से निचोड़ कर इसका तमाम जूस अलग कर लेंगे। देखिए, बादाम में बहुत अच्छी तादाद में ऑयल और मिल्क मौजूद होता है, जिसे हमें अच्छे से निचोड़ कर निकाल लेना है। देखिए, आलमंड मिल्क कितनी अच्छी क्वांटिटी में हमें मिल चुका है। अब हमें क्रीम के लिए इसमें एक और चीज़ को ऐड करना है। हम जितनी भी नाइट क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें एक बेस यूज़ होती है। क्रीम बेस मतलब क्रीम बेस होती है पेट्रोलियम जेली। हर तरीके की आप नाइट के अंदर कोई भी क्रीम लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑयली और थिक महसूस होती है, क्योंकि उसमें पेट्रोलियम जेली शामिल होती है। तो हम भी इसमें क्रीम बेस के तौर पर पेट्रोलियम जेली को हमें तकरीबन 10 से 15 ग्राम के करीब पेट्रोलियम जेली लेके उसे मेल्ट करना है। अगर हमारे पास 20 बादाम थे तो हमें 10 ग्राम के करीब पेट्रोलियम जेली को मेल्ट करना है। पेट्रोलियम जेली की तादाद ज़्यादा ना हो, क्योंकि क्रीम बेस में और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड होते हैं। पेट्रोलियम जेली हमें कम ही लेनी है, देन हम उसमें बादाम और अपनी दो तीन चीज़ें और ऐड करेंगे। चलिए, सबसे देखिए ये अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें अपना बादाम मिल्क शामिल करेंगे और इसे हिलाते रहेंगे। अच्छे तरीके से सारा बादाम मिल्क हमें इसमें ऐड कर लेना है और मिलाना है। आप सभी जानते हैं कि ऑयल सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल को मिलाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि वो वाटर था और ये पेट्रोलियम जेली एक तरीके से ऑयल है। इन्हें अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी हमें मिक्स करना है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा ये मेल्ट हो रहा है। अब इसी बीच में हम इसमें दो वाइटमिन ई के कैप्सूल्स ऐड करेंगे। और इसे जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे। वाइटमिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये देखिए, ये बिल्कुल नेचुरल क्रीम बनके हमारी नाइट क्रीम रेडी होगी, जिसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स हम ऐड नहीं करेंगे। अब इसे फ्रीज होने के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। इसे फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे ही अच्छी तरह क्रीम कंटेंसेंसी में आ जाएगी। देन हम आपको दिखाते हैं कितनी अच्छी कंटेंसेंसी की हमारी क्रीम बनके तैयार है, आलमंड क्रीम। इसे हमें लेना है और अपने फेस पर अप्लाई करना और अच्छे से मसाज कर लेना है। ये देखिए, और ओवरनाइट के लिए इसे छोड़ देना है अपने चेहरे पे, देन सुबह उठ के अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। एक हफ्ते में ही आपको इसके विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।